नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम हस्तरेखा में जानेंगे हथेली में प्रमुख पर्वतों के विषय में कि हथेली के पर्वत कहाँ उपस्थित रहते हैं, उसे किस प्रकार से देखना चाहिए, अन्य बातों के संबंध में बात करेंगे। तो ये हमारी हथेली है। हथेली की जो मैं मूल चिन्हों को बना दूँ, सबसे पहले ये हथेली में ये होती है हमारी जीवन रेखा, जो शुक्र और मंगल दो पर्वतों को ये इस प्रकार से घेरते हुए कर्म के अनुसार चलता है। नीचे ये मणिबंध की ओर जाता है। दूसरी जो हमारी हथेली में प्रमुख रेखा होती है, ये हृदय रेखा होती है। और तीसरी रेखा जो होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा। ये तीन रेखा मूल रूप से है। अब आइए हम बात कर रहे थे पर्वत की स्थिति में। तो सबसे पहले जो बात आती है, ये हमारी है इंडेक्स फिंगर, उंगलियों को भी पहचान लें, जिसे तर्जनी उंगली कहा जाता है। ये पहला उंगली अंगूठे के बाद पहला फिंगर इंडेक्स फिंगर कहते हैं। इसके मूल में जो ये पर्वत होता है, ये पर्वत का क्षेत्र होता है, मैं इसे थोड़ा घेर देता हूँ, यहाँ से लेके बिल्कुल लाइट लाइन तक में ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है, गुरु का क्षेत्र है। मैं यहाँ लिख देता हूँ गुरु। इसे गुरु पर्वत, जुपिटर माउंट के नाम से, इंग्लिश में जुपिटर माउंट, गुरु पर्वत। ये गुरु पर्वत है। यह हथेली के इंडेक्स फिंगर के नीचे रहता है, ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत के बाद हमारी जो उंगली होती है, ये मध्यमा होती है, जिसे इंग्लिश में मिडिल फिंगर के नाम से हम जानते हैं, ये बीच वाली उंगली मध्यमा। इसके बाद इसके जो नीचे का क्षेत्र होता है, ये आपकी हृदय रेखा से ऊपर, ये भी जानना आवश्यक है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में पड़ जाए। गुरु का जो क्षेत्र होता है, आपके लाइफ लाइन तक होता है, ये गुरु पर्वत है। लेकिन शनि का जो क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र इतना ही होता है, इतना आपके हृदय रेखा से ऊपर, ये शनि का क्षेत्र है। तो ये क्या है, शनि पर्वत। जब भी बात होती है शनि पर्वत की, तो हम बात देखेंगे अपने मध्यमा उंगली मिडिल वाले उंगली के नीचे, ये शनि का क्षेत्र है, इसे शनि पर्वत कहते हैं। दो पर्वत के बाद तीसरी उंगली होती है हमारी हथेली में रिंग फिंगर, जिसे अनामिका उंगली भी कहते हैं, रिंग फिंगर। इधर से एक दो तीन, इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है अनामिका उंगली का, ये क्षेत्र इतना क्षेत्र, अर्थात ये हार्ट लाइन के ऊपर का क्षेत्र, जिसे हम सूर्य का क्षेत्र कहते हैं, सूर्य। तो ये कौन सा है, ये सूर्य पर्वत है। हथेली में पर्वतों की स्थिति की बात कर रहे हैं, ये सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत के बाद ये जो है, उसके बाद ये हमारी हथेली में आती है, ये बुध पर्वत। चौथी है बुध पर्वत, ये हमारे कनिष्ठिका या लिटिल फिंगर के नीचे का क्षेत्र होता है। बुध पर्वत हमारे हृदय रेखा से ऊपर आता है। ये चार इन स्थानों पे, इसके अलावा भी कई पर्वत हैं, मैं एक एक करके सबके विषय में बात करता हूं, बताते जाता हूं। इन क्षेत्र के बाद अंगूठे के मूल में आप देखें, अंगूठा कुछ मूल इस प्रकार से रहता है, अंगूठे के मूल में इस प्रकार से दो भाग आप कर सकते हैं। ये नीचे का जो क्षेत्र होता है, ये आपके लाइफ लाइन से घिरता हुआ, ये हमारी जीवन रेखा है जो इस प्रकार से कर्म के अनुसार चलती है, इससे घिरा हुआ क्षेत्र और अंगूठे के इस पर्व से इधर, ये हमारा क्षेत्र होता है शुक्र, इसे हम कहते हैं शुक्र पर्वत। ये सारी पर्वतें जो मैं बता रहा हूं, ये सारी पर्वतें महत्वपूर्ण स्थान है इनकी हथेली में। अलग अलग पर्वतों के अलग अलग गुण हैं, सबको अलग अलग तरीके से जोड़कर देखा जाता है, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग देवताओं का स्थान होता है, हम सबके विषय में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि इसे पहचानना प्रॉपर अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप पहचानने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें अस्पष्ट होती है कि कौन से पर्वत क्या कहते हैं। तो यह है शुक्र पर्वत। शुक्र को हम सुंदरता से जोड़कर देखते हैं, भोग विलास से जोड़कर देखते हैं, आपके पास कितनी भौतिक सुख सुविधा होगी, कैसे रहन सहन होंगे, खान पान कैसा होगा, गाड़ी बंगले नौकर चाकर, सारी चीजों को, सुंदरता, गायन वादन, नृत्य संगीत, सब चीजों को हम शुक्र से जोड़ते हैं, ये शुक्र पर्वत। शुक्र के बाद यहाँ मंगल का स्थान होता है, ये मंगल। हथेली में मंगल दो स्थानों पर होता है, एक तो ये मंगल है, एक मंगल यहाँ आता है, ये मंगल का स्थान। आपके ध्यान देने की बात है, कंफ्यूजन में न पड़े, लाइफ लाइन के नीचे जो घिरता है, तो इधर का भाग जो है मूल भाग मंगल होता है, नीचे का भाग जो होता है हमारी हथेली में, ये भाग जो देख रहे हैं, ये शुक्र का होता है और ये जो होता है ये मंगल का होता है। मंगल का एक स्थान हथेली में और होता है, हमारी हृदय रेखा के नीचे, ये यहां से यहां तक मंगल का स्थान होता है, इतना स्थान, एक स्थान यहां भी होता है मंगल का, ये मंगल।
मंगल का हमारे हथेली में दो जगह स्थान है, मैंने इसमें लिख दिया मंगल। आप पर्वतों को पहचानेंगे तो सारी चीजों को जानना बहुत ही आसान हो जाएगा, मंगल पर्वत। इसके अलावा हथेली में जो प्रमुख है चंद्र पर्वत। चंद्र का स्थान कहाँ होता है? इस मंगल के बाद जो नीचे का स्थान है ये देखिए मैंने घेर दिया हथेली में। देखे तो ये स्थान आपके चंद्र का है, ये आपके शुक्र का है, ये गुरु है, शनि है, सूर्य है, बुध है, आई इसे क्या है, ये चंद्र का स्थान है, इसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं या मून माउंट कह सकते हैं। चंद्र आपके मन का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्र को शीतलता से भी जोड़कर देखते हैं, चंद्र को मूल रूप से आपके मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है, ये चंद्र पर्वत है। इसके बाद हथेली में दो चीजें और बच गई, एक राहु, दूसरा केतु। राहु केतु प्रमुख स्थान है, केतु हमारे इस स्थान पे रहता है, ये देख लीजिए मणिबंध से ऊपर यह स्थान आपके केतु का है, इतना लगभग मान लें इतना स्थान केतु का है, यह स्थान बीच वाला हथेली के जो ये मिडिल पोर्शन है चंद्र और शुक्र के बीच में, ये हमारे जो एक केतु का स्थान है। केतु के बाद जो ये रेस्ट क्षेत्र आपका बच रहा है, ये बड़ा सा क्षेत्र, ये बीच वाला, ये हमारे हथेली में जो होता है राहु का क्षेत्र होता है, राहु ये राहु का क्षेत्र होता है। राहु अचानक से सफलता, अचानक से धन देता है, राहु समस्या भी उत्पन्न करता है, राहु से सभी लोग डरते हैं। तो कुल मिला के देखें तो हथेली में हमने ये देखा कि पर्वतों की स्थिति किस प्रकार से है और ये पर्वत क्या कहते हैं। हम सारे पर्वतों को डिटेल से जानेंगे अगले अंक में, आज के अंक में इतना ही।